क्या सर्दियों में बच्चों को रोज डायपर पहनाकर रखना चाहिए, उसके लिए क्या सुरक्षा रखनी है, कौन सी सावधानियों को फॉलो करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। बच्चों की स्किन पर जब हम डायपर्स पहनाकर रखते हैं, एक चीज़ बता दूं, पहले के ज़माने में सर्दियां होती थी चाहे गर्मियां, डायपर्स नहीं पहनाए जाते थे। कारण उनके पीछे ये था क्योंकि उन ज्वाइंट फैमिली में सब रहते थे और किसी ने कभी बच्चे की केयर कर दी, किसी ने कब कर दी, तो अब प्रॉब्लम ये आ चुकी है। अब मदर अकेली होती है, मदर कौन से काम करे, बच्चे की केयर करे, घर का संभाले, कौन से काम करे, तो इसीलिए वो यही प्रेफर करती है कि हम डायपर पहना दें। लेकिन चाहे डायपर पहना रहे हैं हम, कपड़े के डायपर पहना रहे हैं, चाहे हम डिस्पोजल डायपर पहना रहे हैं, जो हमारा यूरिन होता है, चाहे बच्चे का यूरिन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा यूरिया होता है, एसिड होता है और अमोनिया होता है, जो स्किन पर जलन पैदा करता है अगर बच्चा नमी में या गीले में रहता है। अगर आप डिस्पोजल डायपर को भी लंबे टाइम तक बच्चे को पहना के रखते हैं तो वो यूरिन, एसिड और जो यूरिया है वो बच्चे की स्किन पर जलन पैदा कर देगा, रैशेस पैदा कर देगा। अगर कपड़े का डायपर है वो तो एक ही पी में वो गीला हो जाता है और बच्चे के रैशेस हो जाते हैं, फिर वो चाहे आप कपड़े का डायपर पहना रहे हैं चाहे डिस्पोजल डायपर पहना रहे हैं, रैशेस दोनों से ही हो जाते हैं। इसीलिए आज मैं आपको ये बताने जा रही हूँ, क्या सर्दियों में बच्चों को डायपर रोज़ पहनाने चाहिए या नहीं। तो आपको मैं बता दूँ कि आप हमेशा ही दिन में तो उन्हें खुला ही रखें, डायपर नहीं पहनाएं, और रात में पहना सकते हैं। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो जाती हैं, जब बच्चा बहुत जल्दी जल्दी पी करने लगता है, तब उस टाइम बच्चे को दिन में भी डायपर पहनाने पड़ते हैं, क्योंकि इससे बच्चा खुद इरीटेट होने लगता है। कभी कभी जब बच्चे को बार बार पी आती है, बार बार हम उसे चेंज करते हैं, सूखा होता है बच्चा, वापस उसको ठंड में कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि एक होती है पेट्रोलियम जली और एक होता है कोकोनट ऑयल। आप इन दोनों में से किसी भी चीज़ को लगाकर ही बच्चे को डायपर पहनाएं, ताकि बच्चे की स्किन के ऊपर वो एसिड, वो जो यूरिया है, वो जो अमोनिया है, वो जो यूरिन में से निकलता है, उसका असर बच्चे की स्किन पर नहीं हो सके। एक चीज़ का और ध्यान रखें कि इसको बहुत, ये नहीं कि बहुत थोड़ा सा लगाया और बच्चे की डायपर वाली स्किन पर रब करा और बच्चे को डायपर पहना दिया। इतना कोकोनट ऑयल और इतना पेट्रोलियम जली, दोनों में से जो भी प्रेफर करना है वो लगाएं, इतना लगाएं कि बच्चे की स्किन के ऊपर एक परत चढ़ ली जाए, एक परत आ जाए, जिससे कि बच्चा यूरिन करे तो उसको वो यूरिन की जलन बच्चे की स्किन पर नहीं हो। आपने ये देखा है कभी कभी बच्चे का डायपर फुल हो जाता है, हम चेंज नहीं कर पाते, तो हम जब डायपर खोलते तो बच्चे की वो डायपर वाला एरिया इतना सॉफ्ट हो जाता है जैसे हमने अपने हाथों को 3-4 घंटे पानी में रख दिया, वो ऐसे हो जाते हैं। तो वो एरिया वैसे भी सॉफ्ट होता है, अगर हम उसे नमी में रख देंगे तो वो और ज़्यादा, कि अगर उसको थोड़ा सा ज़्यादा रगड़ा तो वो छिल जाएगा, ऐसे लगता है। तो इसीलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चे के डायपर को थोड़े थोड़े टाइम बाद बदलते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-3 पी चाहे डिस्पोजल डायपर है उसमें करवा दीजिए, उसके बाद बच्चे का डायपर ज़रूर चेंज कीजिए, ताकि ये बच्चे के रैशेज़ वाला जो ये कह सकते हैं जो गर्मी है, जो नमी है, वो बच्चे की स्किन को ख़राब नहीं कर दे। इसके अलावा एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, मोस्टली लोग वैप्स यूज़ करते हैं बच्चे की उस एरिया को क्लीन करने के लिए, लेकिन उसके अंदर अल्कोहल होता है और पॉलिएस्टर होता है जो कि बच्चे की स्किन को जलाने का काम करता है। इसीलिए उस एरिया पर कभी भी ये वैप्स वाली चीज़ें यूज़ नहीं करें। हाँ, जब हम बाहर जा रहे हैं तो और कोई अल्टरनेट नहीं है तो उस टाइम आप ज़रूर इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप घर पे हैं तो ये वैप्स का यूज़ बिल्कुल नहीं करें। एक चीज़ और, हम पूरी रात बच्चे को एक ही डायपर पहना कर रखते हैं तो ये बात सही भी है, एक ही डायपर पहनाया जाए। ओवरनाइट वाले डायपर आते हैं, आप वो लीजिए और बच्चे को पहनाइए, क्योंकि बच्चा रात में ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार पी करता है, तो एक डायपर जो होता है इतना ऑब्जर्व कर लेता है कि वो इस पी को नमी में क्रिएट नहीं करे, ऑब्जर्व कर ले। ये इन्फॉर्मेशन बहुत खास है, बहुत ही खास है उन मदर्स के लिए जो ये कन्फ्यूज़न में थी कि बच्चे को सर्दियों में डायपर पहनाया जाए या नहीं पहनाया जाए। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें, और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।